अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। इस वीडियो में हम पेशेंट्स के एग्जामिनेशन पे बात करेंगे कि जब आप शॉर्ट केस में एग्जाम में जाएं तो पेशेंट को कैसे एग्जामिन करें। जो इनिशियली जो है, आप पेशेंट से सलाम लेने के बाद और कंसेंट लेने के बाद फुट टेंट पर जरूर जाएं। फुट टेंट पर जाने से आपको एक पेशेंट की कंप्लीट और एक जनरल लुक नज़र आती है, जैसे कि पेशेंट का जो फेस है वो आपको, अगर कोई कशिनाइट फेस है, प्लेथोरा है या कोई और फाइंडिंग्स हैं तो क्लियरली आपको नज़र आ जाएंगी। इसके बाद नेक पर प्रोमिनेंट वेंस जो हैं वो आपको फुट एंड पर प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप देख सकते हो, कोई चेस्ट की जो कोई डिफॉर्मिटी, कोई यानी कि कोई चेस्ट डिक्रीज मूव कर रही है वो नज़र आ सकती है। प्रोमिनेंट डिस्टेंशन आप देख सकते हो। लोअर लिम्स के ऊपर आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हुए आप कोई डिफॉर्मिटी देख सकते हो, जैसे कि फ्रेडरिक्स अटैक्सिया में। तो एक जनरल लुक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन दे जाती है। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं अपने एग्जाम में गया था तो वहाँ पर एक फीमेल एग्जामिनर्स ने रखी थी, वो पेशेंट लेटा हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने पेशेंट की नेक को कम्प्लीटली कवर किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट। तो मैं कंसेंट लेने के बाद मैं फुट एंड पे गया, तो पेशेंट की नेक जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड थी। तो मैंने पेशेंट को कहा कि आप जो है अपनी नेक को एक्सपोज करो। तो जब उसने नेक को एक्सपोज किया तो इतना गोइटर पड़ा हुआ था, यानी कि पेशेंट की एक कंप्लीट लुक आ गई आपका, यानी कि केस क्लियर हो गया कि आपने आगे क्या करना है, सारी आपको एक प्लानिंग जो है आपकी वो क्लियर हो जाती है। तो ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल थी। तो अगर आप पेशेंट के फुट एंड पर आके देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। लिहाजा शॉर्ट केस में इस चीज़ को आप फोकस करें। बेशक ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन आप रैपिडली कंसेंट लेने के बाद पेशेंट के फुट एंड पर आए, जल्दी से एक लुक लें और उसके बाद अपना केस स्टार्ट कर दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।